आज अकेले निकलने का प्लान हो गया है और अकेले हम निकल रहे हैं एक जगह, बर्ड सेंचुरी है सोलापुर हाईवे, सोलापुर मुंबई हाईवे में। और ये बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे भिगवन बर्ड सेंचुरी। जस्ट ऐसे ही मैप में स्टम्बल कर रहा था एंड ये दिखा मेरे को कंप्लीट स्ट्रेट रोड, तो सोचा कि चलो एक राइड मार के आ ही जाए। Let's see how it goes. It's a solo ride. और इससे पहले एक solo ride की थी भीमा शंकर के लिए, which ended up like I lost my wallet and I got everything back. So उसका tension नहीं रहा। काफ़ी time के बाद में निकल रहा हूँ मैं, let's see कैसी जाती है राइड, होपफुली अच्छी जाए। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा कि हाँ सोलो राइड करने लायक हैं अपन अभी भी। भिगवन जाने का रास्ता ऐसे है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे खराड़ी बाईपास तक, बाईपास से हम लोग लेंगे लेफ्ट एंड खराड़ी बाईपास से लेफ़्ट लेने के बाद में हम लोग मगरपट्टा क्रॉस करते हुए सीधा हड़प्सर वाली रोड तक जाएंगे एंड वहाँ से लेफ्ट लेंगे जो एक्चुअली में सोलापुर मुंबई हाईवे है। और उस सोलापुर मुंबई हाईवे से हम लोग स्ट्रेट चलते जाएंगे जो करीबन 70-75 किलोमीटर्स और आई गेस 80 किलोमीटर्स के बाद भिगवन पड़ेगा। ज़्यादा देखा नहीं उस जगह के बारे में और कहीं पास में ही जाना था, सो वो 100 किलोमीटर्स के अंदर ही पड़ रहा था, सोचा कि चलो यहीं पे विदाउट एनी रिसर्च थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए कि कैसा है एरिया। क्या आ गया यहाँ पे, सब्जी मंडी चालू हो गई क्या? ओ यस, सब्जी मंडी चालू हो गई है, इस वजह से बहुत ही भीड़ है। कल रात में ही सोच रहा था कि इसमें शेल पेट्रोल भरवाया जाए, आज तक मैंने बाइक में शेल पेट्रोल नहीं भरवाया, नॉर्मल ही भरवाया एंड कुछ ज़्यादा परेशानी आई नहीं है, नॉर्मली चली है बाइक, पावर वगैरह वो सब भी बराबर ही मिली है। आई डोंट नो क्या चेंज हो जाता है, मे बी सभी लोग बोलते हैं ऑक्टेन ज़्यादा है उसका, सो ऑक्टेन ज़्यादा होने से पावर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो थोड़ा और प्योर पेट्रोल होता है और ज़्यादा रिफाइंड। सो मैं सोचा कि आज जब बाइक राइड पे निकलूंगा तो सुबह सुबह वही शेल पेट्रोल भरवाऊंगा, लेकिन फिर देखा कि अभी पेट्रोल नॉर्मल वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये रहा अपने राइट हैंड साइड में खराड़ी आईटी पार्क और हम पहुंच गए हैं खराड़ी रोड में, जंसार वाली रोड में। इससे पहले सोलो राइड्स की अपनी धन्नो में पल्सर 220, सो वो थोड़ी कम्फर्टेबल राइड थी क्योंकि उसका सीटिंग पोजीशन, एंड ये थोड़ी एग्रेसिव राइड रहेगी बिकॉज ऑफ द सीटिंग पोजीशन। बारिश, इसी चीज़ का तो डर नहीं था। अभी तक मैंने अपने SJ कैम में वाटरप्रूफ केस नहीं लगाया है, अभी नॉर्मल प्लास्टिक केस में है वो, लेट्स सी कितना बारिश ले पाता है। बट लास्ट ईयर महाबलेश्वर वाली राइड में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी जब मैंने इसको नॉर्मल प्लास्टिक वाले फ्रेम में लगाया हुआ था, तब तक वो काम कर रहा था आराम से। so, ये उसके कंपैरिजन में भी कुछ भी नहीं है, ये बारिश बूंदाबांदी। यहाँ पे भी शेल है, शेल। so, ये हम लोग पहुँच गए मगरपट्टा, यहाँ से भी स्ट्रेट बिल्कुल। सो आगे जाके थोड़ा 5 मिनट रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे, एक ग्रुप में पिंग किया था कि कोई अपने को ज्वाइन करने वाला है या नहीं। यहाँ से हम लोग जाएंगे स्ट्रेट एंड फिर लेंगे लेफ्ट टर्न, सोलापुर मुंबई हाईवे पर जाएगा और फिर स्ट्रेट रोड। हाईवे चढ़ने से पहले चेक कर लिया जाए क्या। सो रिप्लाई तो आया है सेइंग एंजॉय द राइड ब्रो, सो थैंक यू।
सोलापुर, पंडरपुर, मांजरी, मांजरी भी पे, मांजर के लोनी सुना सुना लग रहा है, बट आई डोंट नो। ये तो पूरा चलता फिरता रोड है, आई मीन रोड के आजू बाजू लोग क्रॉस करते हुए नज़र आ सकते हैं, सो बी इन कंट्रोल। सब अपने मन से क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी सारे सिग्नल भी हैं, 3 सिग्नल पड़ गए लाइन से, अभी तक फील नहीं आ रहा हाईवे का। फिर से सब्जी मार्केट चालू हो गई हाईवे के बाजू में। थोड़ा हाईवे के आजू बाजू वाला पोर्शन ऐसे सुनसान हो, खाली सा हो तो लगे कि अरे 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 अरे, अरे। कितने सिग्नल है भाई, मतलब बीच हाईवे में सिग्नल बना के रखा है कोई, मतलब मस्त स्पीड में ध्यान ना दे तो वो तो क्रॉस ही करता चले जाए। आई मीन इंटरसेक्शन है तो थोड़ा स्लो करेंगे, बट मैप में देखा था आजू बाजू का एरिया काफ़ी एग्रीकल्चरल फील्ड टाइप लग रहा था, खेत खलिहान काफ़ी नज़र आ रहे थे सेटेलाइट व्यू में, और वैसे ही देखने को मिल भी रहा है। अरे मैकडी है 3 किलोमीटर्स पे, मैकडी में रुका जाए क्या? एक चीज़ पीने का मन कर रहा है, वो मैं बताता हूँ क्या है। आई मीन आप भी पियोगे तो मज़ा आ जाएगा, नथिंग न्यू, सबको मालूम है, बट ऐसी राइड पे निकलने के बाद अगर बीच में मैकडी पड़े तो वो पी लेना, अच्छा लगता है। पता नहीं खुला भी होगा, नहीं मेरे ख्याल से अभी तो टेक अभी चालू है ना, यही है क्या चालू है क्या, देखें क्या, टेक अवे ओपन नाउ। तो आई डोंट थिंक सो कि टेक अवे भी चालू होगा, बंद ही है। एक टेक अवे वाला राउंड मार के देखा जाए। प्लीज 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 नेक्स्ट, प्लीज ऑर्डर नेक्स्ट विंडो। ओपनिंग टाइम 10 बजे, सो इट्स क्लोज। भाई हाईवे तो मज़ेदार थे गुजरात के, मतलब गाड़ी को फुल थ्रॉटल दे के रखा हुआ था, आई मीन फुल थ्रॉटल लिटरली हर काफ़ी सारी जगह। ये तो चलता फिलता मतलब हाईवे है, मतलब बिजी हाईवे, आई मीन बिजी विद पीपल, नॉट विद व्हीकल टू, बट लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड। यहाँ पे थोड़ी ना भगा सकते हैं, नॉट पॉसिबल। सोलापुर 224 किलोमीटर, हैदराबाद 526 किलोमीटर। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हाईवे, काफ़ी सारी नर्सरीज हैं यहाँ पे, बहुत सही। और बहन थोड़ी देर के लिए मज़ा आया। लोग यहाँ पे बीच रास्ते से मतलब बीच हाईवे में क्रॉस कर रहे हैं अपना बाइक लेके भागते हुए, सो नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा, ये देखो सेंसेस बहुत ज़्यादा चौकन्ने रखने पड़ेंगे। That was nice stretch, that was very nice stretch. यहाँ पे रुकते हैं, this is better actually.
सो हम लोग ने कवर कर लिया आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने रीडिंग सेट नहीं किया था। और अभी KTM भगा रहा हो तो कंधे पे अभी थोड़ा सा दर्द होना चालू हो गया, हैपेंस एवरी टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो 5 मिनट का ब्रेक, अभी हम निकल रहे हैं। समथिंग अराउंड 1 आवर दिखा रहा है बिग वन बर्ड सेंचुरी तक जाने के लिए। खाने पीने का प्रोग्राम तो मैंने सोचा नहीं ड्यू टू कोविड, खाली चाय पियेंगे अगर चाय कहीं पे मिल गई तो। व्हाट अ व्यू, पूरा आगे तक क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर मैंने चश्मा पहना हुआ होता तो और ज़्यादा क्लियर नज़र आता। बारामती चौराहा पहुंच गए हैं। बारामती कानपुर में भी है बारामती चौराहा। ओह नो, आगे तक कोई पेट्रोल पंप नज़र भी नहीं आ रहा, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। इज इट अलाउड? भैया कार्ड चल रहा है? कार्ड नहीं चल रहा है। 500 एक में लॉक कर दो उसको। और भाई साहब तो लग रहा है फर्स्ट टाइम KTM में पेट्रोल भर रहे हैं, पिचकारी छोड़ दी पूरी। सो ये है बिग वन का बर्ड सेंचुरी वाला इलाका। यहाँ पे कहते हैं नवंबर दिसंबर में यहाँ पे मौसम रहता है जब काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं इधर दूसरी जगह से, अलग अलग तरह की बर्ड्स। आगे का एरिया पता नहीं कैसा होगा, सब कुछ बंद हो रखा है यहाँ पे। ये कैसा एरिया यार, ये कैसा रास्ता है, फिर से देखा जाए मैप। बड़ी दुविधा हो रही है यहाँ पे। डुग 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 ओके, नॉर्थ साइड अप, ऐसे लेके फिर सीधा। अरे अरे भाई यहाँ पे कैसे जाएंगे, ये पूरा जंगली इलाका है, यहाँ पे जाना इज़ नॉट गुड। कोई नज़र तो नहीं आ रहा, थोड़ा आगे तक चले। इस वाली राइड में काफ़ी लोगों को हो रहा चाहिए तब मज़ा आता, अकेले जाना इज़ डेंजरस।
नो नॉट अ गुड आइडिया टू मूव एनी फर्दर। ऊपर रोड भी है, इज दिस द रोड? चलो अभी तो प्रॉपर कच्ची रोड है, पूछने का मन तो कर रहा था बट औरत है बच्चा है घबरा जाएंगे मे बी आई डोंट नो। यहाँ पे वैसे वो गांव वाले बच्चे नहीं मिलने चाहिए उस तरीके के, ऐसे अकेले घने जंगल में कच्ची सड़क की साइड में ऐसे कभी आया नहीं हूँ, बट अभी इतने अंदर तक आ गए हैं तो व्हाट द हेल। ये बर्ड सेंचुरी के लिए यहीं से है क्या? ये है पूरा आगे से है सर। अच्छा ये सेफ है क्या? सेफ है, सेफ ये इलाका सेफ है ना, अकेले जा सकते हैं? अच्छा ठीक है ओके। चलो स्माइल करके बोला है भाई ने तो सेफ ही होगा। सो ये है लेक छोटी सी जो अभी काफ़ी हद तक सूख गई है, अदरवाइज यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। फोटोज में देख के तो ऐसे ही लग रहा था। ये आगे से लेक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा सकते हैं ना? अच्छा अच्छा और फिर यहीं से आगे से हाईवे भी नहीं? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके थैंक यू। चलो पीपल आर गुड हियर, वेरी गुड, दे आर हेल्पफुल एंड पूरा मस्त गांव का इलाका, खेत खलिहान चारों तरफ, पानी पानी। दाएं हाथ में बोल रहे थे दाएं हाथ में जा सकते हैं, दाएं हाथ में नहीं यहाँ पे चलते हैं नीचे की तरफ। लेकिन अकेले यहाँ पे किसी ज़्यादा देर रुकना सही रहेगा क्या? दिस इज़ गुड, लेकिन यहाँ पे आने का थोड़ी देर बैठने का मस्ती में। ओ अरे क्या मज़ेदार है बिल्कुल, तो ओहो सेक्सी। नाइस, तो ये पूरा एरिया है मतलब यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है लेक, और यहाँ पे फोटोज में देखा था बोट वोट भी रहती हैं। बस ज़्यादा और आगे तक भी है। कैमरे तो ऑन है ना? आई होप यहाँ से चले अंदर। That is it. अरे और पास में जा सकते, चलो। This is nice. This is very nice. Oh, dog भी है। अब आई डोंट नो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना कितना सही रहेगा, बट सही है यार मज़ेदार बिल्कुल एक नंबर कड़क। हो दिस इज नाइस। यहाँ पे मैं हूँ, मेरा हेलमेट है, मेरा कैमरा है, और वहाँ पे डॉगू है एक छोटा सा, देखा होगा।
एंड ये एरिया कुछ इस तरीके से है। सो काफ़ी शांत एरिया है और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। पीछे पूरा लेक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, शांत माहौल है बिल्कुल। तो अभी चलो रिटर्न मारते हैं वापस घर। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, एक डेढ़ घंटा में भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।